नमस्कार, मैं प्रिया। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। आज 109 साल का हो गया अपना बिहार। बिहार में कोरोना के मिले 100 से ज्यादा मामले। बिहार में अगले 24 घंटे में मौसम रहेगा शुष्क। आरटीपीसीआर जांच के लिए हर दिन जमा किए जाएंगे सैंपल। बिहार महिला उद्योग संघ ने किया वार्षिक होली मेले का आयोजन। तो चलिए बढ़ते हैं बिहार के शाम तक की बड़ी खबरों की ओर। आज 109 साल का हो गया अपना बिहार। अपना राज्य बिहार का आज जन्मदिन है। आज ही के दिन साल 1912 में बिहार को संयुक्त प्रांत से अलग होकर बिहार राज्य के रूप में स्वतंत्र अस्तित्व में आया था। साल 2005 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो बिहार में सत्ता संभाली तो उन्होंने 22 मार्च को बिहार दिवस मनाने का ऐलान कर दिया था। इस साल बिहार दिवस 2021 की थीम है जल जीवन हरियाली। इस विषय पर पटना कला एवं शिल्प महाविद्यालय के 40 विद्यार्थियों और 10 कॉलेज के शिक्षकों द्वारा बनाई गई पेंटिंग की प्रदर्शनी भी ज्ञान भवन में लगाई गई है। बीईपी ने आर्ट कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर अजय पांडे के संयोजन में 15 से 17 मार्च को इसको लेकर एक प्रतियोगिता भी आयोजित करवाई थी। इसमें 3 विजेताओं को 22 मार्च को पुरस्कृत भी किया जाएगा। वहीं बिहार दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राज्यपाल फागू चौहान समेत अन्य वरिष्ठ नेताओं ने बिहार दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी है। आंध्र प्रदेश बीमा चिकित्सा सेवा विभाग ने निकाली रिक्तियां। आंध्र प्रदेश बीमा चिकित्सा सेवा विभाग ने स्टाफ नर्स, लैब तकनीशियन, ईसीजी तकनीशियन के कुल मिलाकर 101 पद पर आवेदन की मांग की है। इन पदों के लिए अगर हम शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों के पास डीएमएलटी, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग या पीजी डिप्लोमा या बीएससी या एमएलटी या एमएससी या एमएलटी संबंधित विषयों में डिग्री होना अनिवार्य है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार अंतिम तारीख 31 मार्च 2021 तक आधिकारिक वेबसाइट www.ims.kerala.gov.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक से जाकर ले सकते हैं। देश का पहला म्यूजियम बिनाले बिहार दिवस पर पटना में आज से होगा शुरू। बिहार में देश का पहला म्यूजियम बिनाले आज से शुरू होने वाला है। पूर्वी भारत के एक बड़े सांस्कृतिक केंद्र के रूप में उभरे पटना स्थित बिहार संग्रहालय की मेजबानी में दुनिया के कई नामचीन संग्रहालयों के साथ देश के 13 ख्यात म्यूजियम अपनी खूबियां और विशेषताओं के साथ इस बिनाले से जुड़ने वाले हैं। कला प्रेमी से भी दुनिया के किसी कोने से ऑनलाइन इसका आनंद आप ले सकते हैं और बिहार संग्रहालय पहुंचकर भी इस उत्सव में शामिल हो सकते हैं। वहीं आज बिहार दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद शाम को इसका उद्घाटन करने वाले हैं। कोरोना को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यह उद्घाटन अपने एक अणे मार्ग से ऑनलाइन करेंगे। वहीं इस मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ कई अन्य वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहने वाले हैं। आरटीपीसीआर जांच के लिए अब हर दिन जमा किए जाएंगे सैंपल। बिहार में हर दिन कोरोना के आरटीपीसीआर टेस्ट के लिए सभी जिलों से लगभग 32,000 सैंपल लिए जाने का काम किया जाएगा। जिलों में संग्रहित सैंपल की जांच कौन से मेडिकल कॉलेज, अस्पताल या जांच केंद्र करेगा इसका विभाग नए सिरे से निर्धारण भी कर चुका है। इसके अलावा करीब 4400 टेस्ट ट्रूनेट से होगा। ट्रूनेट टेस्ट वहीं हो सकेगा जहां ट्रूनेट मशीनें लगी हुई हैं। स्वास्थ्य विभाग ने इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान से सर्वाधिक जिलों को टैग किया है। इस अस्पताल में 9 जिलों के सैंपल जांच के लिए भेजे जाएंगे। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि राज्य में कोरोना संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी की आशंका को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने अधिक टेस्ट का लक्ष्य तय किया है। इसके साथ ही किस जिले के टेस्ट किस जांच संस्थान में होंगे इसका निर्धारण भी कर दिया गया है। बिहार में कोरोना के मिले 100 से ज्यादा मामले। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 126 मामले सामने आए हैं। वहीं बीते 24 घंटे में 74 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं। वहीं प्रभावित टॉप 3 जिलों की बात करें तो राजधानी पटना में 51 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही भागलपुर में 13 तो वहीं रोहतास में 7 मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही अगर हम बिहार में रिकवरी दर की बात करें तो 99.21% दर्ज की गई है। वहीं बिहार में अब तक ठीक हुए मरीजों की संख्या की बात करें तो यह 2,61,487 पर पहुंच गई है, जिसके बाद अब बिहार में एक्टिव मरीजों की कुल संख्या 522 है। महाराष्ट्र से 3 ट्रेनें आ जाएंगी बिहार। बिहार में कोरोना के मामलों में मामूली बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, मगर ट्रेनों से सफर करने वाले यात्रियों ने बिहार में कोरोना के ग्राफ को बढ़ाने के संकेत दे दिए हैं। इसी क्रम में आज महाराष्ट्र, जो कि वर्तमान समय में कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित है, वहां से 3 जोड़ी ट्रेनें बिहार आ रही हैं। मिली जानकारी के अनुसार ये तीनों ट्रेनें पटना, पाटलिपुत्र और दानापुर जंक्शन पर पहुंचने वाली हैं। अधिकारियों का कहना है कि 22 मार्च को होली स्पेशल ट्रेनें बिहार आ रही हैं। इन ट्रेनों से दूसरे राज्यों से बड़ी संख्या में लोग आएंगे, इसीलिए रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड पर थर्मल स्क्रीनिंग एवं जांच की व्यवस्था की गई है। जिन लोगों का रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर जांच या थर्मल स्क्रीनिंग हो पाएगी उनका विवरण पटना में ही ले लिया जाएगा, लेकिन जिन लोगों का नहीं हो पाएगा उनका पूरा विवरण गांव में आशा के द्वारा लिया जाएगा। बिहार के वरिष्ठ चर्म रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अमरकांत झा अमर ने दुनिया को कहा अलविदा। बिहार के वरीय चर्म रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अमरकांत झा अमर ने दिल का दौरा पड़ने के बाद दुनिया को अलविदा कह दिया है, जिसके बाद से चिकित्सा जगत में शोक की लहर देखने को मिल रही है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि अमरकांत झा अमर 40 वर्षों तक लंबा
चिकित्सीय सेवाकाल के बाद पटना मेडिकल कॉलेज से रिटायर हुए थे। डॉक्टर झा पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में अधीक्षक एवं प्राचार्य के पद पर रह चुके थे। अपने 40 वर्षों के लंबे सेवाकाल में उन्होंने समाज के सभी तबके, खासकर की कमजोर वर्गों के लिए निस्वार्थ सेवा करते हुए उनके सुलभ इलाज के लिए हमेशा तत्पर रहे हैं। इस दौरान वो भारत से लेकर विश्व स्तर पर बहुत सारे अवार्ड से सम्मानित भी किए जा चुके हैं। बिहार में अगले 24 घंटे में मौसम रहेगा शुष्क। बिहार में पिछले दो दिनों में मौसम में थोड़ा परिवर्तन देखने को मिला है। इस दौरान राज्य के तापमान में भी थोड़ी कमी देखने को मिली है। मौसम वैज्ञानिक अमित सिन्हा ने बताया है कि पिछले 24 घंटे के दौरान बिहार के दक्षिण पूर्व भागों में कुछ जगहों पर हल्की बारिश देखने को मिली है। हालांकि राज्य के अधिकांश हिस्सों में बादल देखे गए हैं। मौसम विश्लेषक के अनुसार ही प्रदेश भर में पछुआ हवा का असर देखने को मिल रहा है। पछुआ हवा की गति 0.9 किलोमीटर पर 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से है। वहीं एक चक्रवाती परिसंरचन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के आसपास बना हुआ है। बंगाल की खाड़ी से नमीयुक्त हवा का प्रवेश हो रहा है। इन सभी मौसमी सिस्टमों की वजह से अगले 24 से 48 घंटे में राज्य का मौसम शुष्क और आसमान में आंशिक बादल छाए रहने की संभावना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बांधों को मजबूत करने के लिए दिए जरूरी दिशा निर्देश। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीते दिन सारण तटबंध पर चले कटावरोधी कार्यों का स्थल मुआयना किया, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि सारण तटबंध का पक्कीकरण किया जाएगा। तटबंध के आसपास जहां आबादी है वहां स्टील शीट पाइल भी लगाने का काम किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि तटबंध की सुरक्षा बहुत जरूरी है ताकि लोगों को फिर से बाढ़ की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। गौर करने की बात यह है कि सारण तटबंध गोपालगंज में 72 किलोमीटर और छपरा में 80 किलोमीटर है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जल संसाधन विभाग के आला अधिकारियों को निर्देश दिया कि नेपाल के पानी से कभी भी बाढ़ आ सकती है। पिछले वर्ष 4 लाख क्यूसेक पानी से ही तबाही हो गई थी। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। जाप प्रमुख पप्पू यादव आए दिन सत्ता पक्ष के लोगों को निशाने पर लेने का काम करते हैं। इसी क्रम में उन्होंने हाल ही में केंद्र सरकार को निशाने पर लिया है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि डीजल और पेट्रोल के टैक्स में भारत सरकार को 24,000 करोड़ की कमाई हुई है, लेकिन आय की राशि गई कहां, सवाल ये उठता है। ये किसी को नहीं पता पैसे को बंगाल चुनाव में खर्च किया गया है या भाजपा कार्यालय बनाने में, इसका हिसाब सरकार नहीं दे रही है। साथ ही उन्होंने आगामी 26 मार्च को बिहार बंद कार्यक्रम को सफल बनाने को कहा है, जिसके जरिए अब लड़ाई का स्वरूप बदल जाएगा, इस बात की जानकारी भी उन्होंने दी है। सुशील मोदी ने आज के समय में तानाशाही से किया इनकार। बीते दिन इमरजेंसी हटने की 44वीं वर्षगांठ थी। इस मौके पर पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने इस दौरान अपना बयान जारी करते हुए कहा कि इमरजेंसी भारतीय लोकतंत्र पर लगा एक ऐसा बदनुमा दाग है कि अब कोई भी राजनेता तानाशाही रवैया नहीं अपना सकता है और न ही तानाशाह बनकर फिर से देश में आपातकाल लगाने की हिम्मत कर सकता है। सुशील मोदी ने कहा कि 46 साल पहले 25 जून 1975 की आधी रात को इंदिरा गांधी द्वारा आपातकाल की घोषणा की गई, जो 21 मार्च 1977 तक चली थी। स्वतंत्र भारत के इतिहास में वो सबसे काला दिन था। जेपी से लेकर अटल, आडवाणी और सभी बड़े विपक्षी नेताओं को जेल में बंद कर दिया गया था। कांग्रेस नेता अजीत शर्मा ने मांझी और सहनी को दिया महागठबंधन में शामिल होने का ऑफर। बिहार में राज्यपाल कोटे से एनडीए के 12 एमएलसी बनाए गए, जिसके तहत जदयू और भाजपा ने अपनी तरफ से 6-6 एमएलसी बना लिए हैं। हालांकि राज्यपाल कोटे से मनोनीत किए गए सदस्यों में मांझी और मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी को एक भी सीट नहीं दी गई, जिससे नाराज होकर दोनों ही नेताओं ने भाजपा और जदयू पर गठबंधन धर्म का पालन नहीं करने का आरोप लगाया था, जिसके बाद कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा ने महागठबंधन में शामिल होने का न्योता दिया है। अजीत शर्मा ने कहा कि दोनों नेता महागठबंधन में शामिल होकर बिहार का विकास करने में आगे आए। दोनों अपने आप को बड़े नेता समझते हैं, अब उन्हें निर्णय लेना है। बिहार महिला उद्योग संघ ने किया वार्षिक होली मेले का आयोजन। बिहार महिला उद्योग संघ ने राजधानी पटना स्थित तारामंडल परिसर में बिहार की महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने और उन्हें उचित मार्केट उपलब्ध करवाने के लिए वार्षिक होली मेले का आयोजन किया। मेले में लगभग 120 से 125 स्टॉल भी लगाए गए, जिसमें विभिन्न प्रकार के वस्तुओं की प्रदर्शनी महिला उद्यमियों ने लगाई। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि वार्षिक होली मेले में बिहार ही नहीं बल्कि देश के विभिन्न राज्यों से आई हुई महिला उद्यमियों ने अपनी प्रदर्शनी लगाई। भारत के महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, गुजरात की महिला उद्यमियों ने मेले में अपने द्वारा बनाई गई वस्तुएं लेकर पहुंची थी और अपने राज्य की सुंदरता और संस्कृति का प्रदर्शन मेले में कर रही हैं। युवराज सिंह ने अपने नाम दर्ज किया एक और अनोखा रिकॉर्ड। सिक्सर किंग के नाम से मशहूर युवराज सिंह ने भले ही क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया हो, मगर युवराज सिंह और पठान बंधुओं के ऑलराउंड खेल के दम पर इंडियन लेजेंड्स ने रविवार को श्रीलंका लेजेंड्स को 14 रनों से हराकर रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज का खिताब अपने नाम दर्ज कर लिया है। यूसुफ ने पहले बल्लेबाजी में युवराज संघ मिलकर बड़ा स्कोर बनाने में मदद की, फिर गेंदबाजी में अपने भाई इरफान संघ मिलकर श्रीलंकाई बल्लेबाजों को ज्यादा खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। पिछले कुछ मैचों से जोरदार बल्लेबाजी कर रहे युवराज का बल्ला फाइनल मुकाबले में भी चला। उन्होंने 41 गेंदों पर 62 रनों की बेहतरीन पारी खेली। भारत
के इस खिताब को जीतने में युवराज के करियर में एक और बड़ा सुनहरा अध्याय जुड़ गया है। अनुष्का शर्मा और विराट कोहली की बेटी की वायरल हो रही तस्वीर पर भड़के फैंस। अनुष्का शर्मा और विराट कोहली बीते 11 जनवरी को पेरेंट्स बने हैं। बच्चे की डिलीवरी से पहले अनुष्का इंटरव्यू में बता चुकी हैं कि वो होने वाले बेबी को मीडिया की चकाचौंध से दूर रखना चाहती हैं। वहीं जन्म के बाद विराट और अनुष्का की तरफ से पेपराजी को मैसेज भी दिया गया था कि बेटी को कॉन्टेंट ना बनाया जाए। इसके बाद भी रिसेंटली एयरपोर्ट पर वामिका की तस्वीर आउट हुई है। इस पर विराट अनुष्का के फैंस ने नाराजगी जताई है। रविवार अहमदाबाद एयरपोर्ट से विराट और अनुष्का की तस्वीरें सामने आई। इन तस्वीरों में अनुष्का की गोद में उनकी बेटी वामिका नजर आ रही है। वहां मौजूद पेपराजी ने ये फोटो वायरल कर दी। इस पर विराट अनुष्का के फैंस काफी नाराज दिखे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है। आज बिहार दिवस के मौके पर आपके अनुसार बिहार किन किन कारणों के कारण इतिहास में दर्ज है? अपने जवाब हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।